रुक 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 रुक, देखने देना, ऊपर जाओ ना। अरे तो गाइज, मैं और अर्णव बोटिंग करने आ गया हूँ और वहाँ से चंदन शूट कर रहा है, ये उधर से लेक्चर झाड़ रहा है कि बोट कैसे चलाया जाता है। बाय बाय। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. गाइस, कल का ब्लॉग काफी छोटा पड़ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग है वो इस पे एडिट कर दिया जाए मर्ज करके। तो आज आशीष ने सजेस्ट किया कि क्यों ना पटना का इको पार्क काफी दिनों के बाद चला जाए, तो मैंने भी सोचा कि यार काफी टाइम हो गया, करीबन 1-1.5 साल हो गया था यहाँ पे आए हुए, और बहुत सारा जो सीन है यहाँ काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। एंट्रेंस गेट अगर जो पहले था वो जस्ट अपोजिट साइड से कर दिया गया है, और बहुत भी कुछ था। तो अभी जस्ट पार्क में आए, और पार्क में आके पीछे आप देख सकते हो कि आशीष है, और आशीष के साथ उसका एक कजन है। अब कैसे हो? मजा आ रहा है। अभी मजा नहीं आ रहा है, यू ही बोल दिया, ये एक फॉर्मेलिटी था। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉगिंग को, और वीडियो पे जो लोग नया है वो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को इसी के साथ। ओए, यहाँ पे इतना अच्छा बना हुआ है तो तुमको लैडर से क्यों जाना है? लैडर पे सूट आएगा ना। ये देखो गाइस, यहाँ पे सही है, इस पे उतरने में मजा आता है, और इसको जाना है लैडर से। अरे देख तो ऊपर जाओ। तो बुलाया क्यों था? बस जाओ ऊपर। ये लोग अजीब आदमी है यार, बोल रहा है कि कौन कैमरा के पास पहले पहुंचता है। ये उधर से आने के लिए बोल रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं यार, इधर से छोड़ेगा। हाँ यार, इस साइड से मैं बोल रहा था कि इस साइड से आ जाओ, इतना नीचे अच्छे से उतरते हम लोग, और यहाँ सीढ़ी से उतरवाया है। अब इस साइड से लेजी आदमी है, पूरा लेजी है, इसको लिफ्ट चाहिए यहाँ भी। फाइनली यहाँ पे तो आ गए हैं, और अभी पता करते हैं क्या रेट में चेंजेस आया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे आए हुए, तो हो सकता है कि बहुत सारे रेट में चेंजेस भी आ गए। आशीष, एक सेकंड, मैं देख के आता हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस है। गाइज, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है पानी, और इसका फट चुका है यहाँ पे। अभी चिल्ला रहा था कि इतना मत ले जाइए इधर इधर इधर, वैसे डीप है यहाँ पे, पैर में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है इस साइड आकर के। मदर रोड देखो, वो दोनों बच्चा आ गया था, तो ये दोनों सोन वहाँ से चिल्ला रहा हल्ला किए हुए था, उसके पीछे उतर गया उसको बचाने के लिए। और अब स्क्रीन पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका हालत ख़राब है, क्योंकि मैं अब मोबाइल इस पानी के साइड रखा हुआ हूँ, इसका हालत ख़राब है। बेचारी चंदन का मेरा मोबाइल अंदर कर ले, मेरा मोबाइल भी बाहर कर लिया। ये इस साइड से आओ, कर ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, इस साइड से शूट कर। इसका फटी पड़ी है कि मोबाइल लग गया, मेरे को भी डर लग रहा है, गिर गया तो मेरा छोड़ेगा नहीं मेरे को। शूट करवाने के चक्कर में उस बेचारे स्क्वाड के पास क्यों जा रहा है, उसको क्यों ठोकने जा रहे हो? अभी मैं ठोक नहीं रहा यार, अब बाद में ये बंदा कहेगा सीन बहुत बढ़िया आया यार, सीन बहुत बढ़िया आया है। नहीं ठोका नहीं है, मतलब उसके पास जा रहा है, मेरा हालत खराब हो जा रहा है। आईज अर्णव उतर चुका है, और मेरे साथ आ चुका है चंदन। देखिए आप, मैं कितना शांति से चला रहा हूँ, और ये बंदा बैठ के फर्राटे मार रहा है। हाँ, मतलब मैं आराम करूंगा, इतना चलाया हूँ तो आराम तो करूंगा। हाँ, मतलब आराम इसको किया जाता है, मतलब इसको चलाने नहीं आता, इधर उधर पूरा बोट जो है। अब आगे चलाने नहीं, अब एक्चुअली डर लग रहा है, क्योंकि मोबाइल में कवर नहीं लगाया, मोबाइल स्लिप कर रहा है। वहाँ पे उस साइड है अर्णव, शूट कर रहा है, फोटो खींच रहा है उस साइड से। और एक्चुअली क्या है, ये अब चलाएगा और मैं आराम से पैर रखूंगा ऐसे। बोला कि चलो ठीक है करते हैं, अभी वापस हम लेके चलते हैं अर्णव के पास, और थोड़ा बहुत शूट करवाते हैं फोटो। गाइस, मैं खड़ा हो गया हूँ बोट पे, और चंदन की हालत खराब है यार। ये बोट पे खड़ा है, बोट का एक तो हालत खस्ता है, ऊपर से इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कब क्या जाएगा, लाइफ जैकेट भी नहीं है साथ में। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा बोट, हम तो तैर के किनारे पहुंच जाएंगे। मुझे तो नहीं आता ना। बैठ जा। तो गाइस बैठते हैं और चलते हैं। Was never easy growing up, about time.
to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा हाथ वहाँ पे डलवा दिया है, इसके अंदर सांप रहता है मेरे ऊपर झपटा वाला बात पे, तो क्या करेंगे। एक तो धूप आ रहा है, आप सामने देख सकते हो, ऊपर से ये गधा जबरदस्ती पैंडल मरवा रहा है यार पूरा। अब थोड़ा बाहर पर्दे लगाया पूरे पैर पे, इस साइड एक्चुअली डीप है ना पानी, इसलिए थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। इस साइड आराम से पैर रखा हुआ है, ये चला रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलाओ चलाओ चलाओ, कोई इज्जत भी नहीं है अब लेके, उसका कोई इज्जत भी नहीं रहेगा। डूबो, हम मिलते हैं बेटा, पलटोगे तो यहीं पे रह जाओगे, बहुत गड्ढा है, 10 फीट से ज्यादा गड्ढा है। ली गाइस, अभी जैसे ही हम लोग वीडियो यहाँ पे बना रहे थे तो दो भाई और मिले, और इनका भी विश था कि ये गिम्बल के साथ शूट करें। तो फाइनली आप अपना चाहो तो नाम इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। हेलो, माय नेम इज मोहित पांडे। अरे इंट्रोडक्शन थोड़ा ही चल रहा है, मतलब इंटरव्यू थोड़ा ही चल रहा है भैया जी, गजब बेइज्जती है। तो गाइस थोड़ा सा बकवास करने वाला है, थोड़ा सा बकवास नहीं करने वाले, अभी जस्ट बोटिंग करके आए थे तो बहुत ज्यादा मतलब दर्द होने लगा पैर में यार, और मतलब जरूरत से ज्यादा पैंडलिंग, इसलिए सोचे थोड़ा देर बाद ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जस्ट पानी वगैरह पिया, पानी पीने के बाद अभी आशीष जो है थोड़ा सा आपको टिप्स देने वाला है। आप लोग होशियार हो, समझदार हो, मुझे पता है, झूठ बोल रहा है, बट ये क्या ही कर सकते हैं, एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकाल देना। देखो गाइस क्या करना है, इस ढक्कन को ऐसे मोड़ो, अब नहीं मुड़ेगा तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन मोड़ो, दब लगा के मोड़ो तो इसके अंदर, अगर आपसे नहीं घुस रहा है तो आज ये बोतल तोड़ देगा, लेकिन इसके अंदर ये नहीं जाने वाला। ये जो है ये ढक्कन है, और इसको पूरा मोड़ दिए और इसके इसके अंदर कर दिए, और इसके बाद इसको और क्रश कर पूरा। अब ऐसे डालने से क्या फायदा है कि ये ढक्कन कितना भी कोई निकालते रहे निकलेगा नहीं, ऐसे करके इसमें डाल के इसको ऐसे निकालेंगे भी तो नहीं निकलेगा तो ये कोई काम का नहीं। इसको पूरा क्रश, अब इसको पूरा क्रश कर दे, अब ये गया और जाके डस्टबिन में फेंक देगा। क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि फिर ये बोतल जल्दी से रीयूज नहीं हो पाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था बढ़िया था। वापस घर के तरफ जा रहे हैं, तो ब्लॉगिंग को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे आया है, और अभी यहाँ से जस्ट चलते हैं, और चलते चलते और खाने के लिए हम लोग आए हैं, और इधर जाम में फंस गए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और दिमाग का दिक्कत क्या हुआ कि हम लोग ऊपर फ्लाईओवर से ना जाके नीचे से जा रहे हैं, और फ्लाईओवर में नीचे में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है कि अभी क्या था, फ्लाईओवर से जाके यू टर्न लेकर के वापस आना था, लेकिन हम लोग आगे नीचे से, अभी तक हम लोग ऊपर से फ्लाईओवर 3 बार क्रॉस हाँ, और प्रॉब्लम गाइस ये देखो कितना जाम है। अर्ण अब क्या कहना चाहोगे जाम के बारे में, मेरा सर दर्द करने लगा है। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो हट जाओ। यार खाने के लिए हम लोग आए, और इधर जाम में फंस गए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, दिमाग का दिक्कत क्या हुआ कि हम लोग ऊपर फ्लाईओवर से ना जाके नीचे से जा रहे हैं, और फ्लाईओवर में नीचे में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है कि अभी क्या था, ऊपर फ्लाईओवर से जाके यू टर्न लेकर के वापस आना था, लेकिन हम लोग आगे नीचे से, अभी तक हम लोग ऊपर से फ्लाईओवर 3 बार क्रॉस कर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं दिखा, आप सोच रहे होंगे कि हम सर पकड़ के क्यों बैठा हुआ है, तो अभी लास्ट 15 से 20 मिनट अप्रोक्स आधा घंटा होने वाला है, और आधा घंटा में अभी अगर मैं बोलूँ तो 200 मीटर भी हम लोग नहीं सरके हैं,
और ये महाशय मेरा क्लच पे पैर रखे रखे मेरा पैर दर्द होने लगा। बहुत ज्यादा रश है यार, बहुत ज्यादा रश है। और सही में लास्ट टाइम मतलब हमको लगता है कि 1.5-2 साल बाद हम ये रश में हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन, क्योंकि यार कंटेंट को थोड़ा बहुत बड़ा करने के लिए मुझे रोटी भी बनानी पड़ रही है और अब इससे ज़्यादा और कंटेंट बड़ा नहीं हो सकता। वोटिंग करने का जो भी था वो सारा का सारा उसी तरीके से वेस्ट चला गया, सो अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसका। और गुस्सा तो बहुत आ रहा है क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद लास्ट में अगर आपका जो सूट बिगड़ जाता है ना तो आपको सही में गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। फिलहाल तो अभी हम मेरी रोटी ना जल जाए ये भी यहाँ पे मुझे देखना होगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए महाक्ष ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।